कलयुगी गुरु फेल करने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर धमकी देते हुए कुकर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया नाबालिग शिक्षकों का यौन शोषण करता रहा ये शिक्षक। नाबालिग बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया और प्राकृतिक यौन शोषण का आरोप अब तमाम पीड़ित लगा रहे हैं। परिजनों को कुछ न बताने के लिए धमकी भी दिया करता था। दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देता रहा। आरोपी शिक्षक का नाम सुनील बताया जा रहा है। निजी स्कूल में प्रधानाचार्य है आरोपी शिक्षक। सूचना पर डी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें पुलिस पर भी लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। मामले की जानकारी देने से पुलिस भी फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, गुरु और शिष्य को कलंकित कर देने वाली ये घटना सामने आई है भरतपुर के डीग में और आरोप लगा है एक शिक्षक पर दो बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाने को लेकर, कुकर्म करने को लेकर। फिलहाल जांच में क्या कुछ सामने आया है पुलिस की? देखिए, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस तरह के कुकर्म के आरोप लगाए हैं। जो एक निजी स्कूल है उसमें ये अध्ययनरत बच्चे थे, इन्होंने अपने स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप लगाया। ये जो शिक्षक है ये डीक में ही एक निजी हॉस्टल चलता था, वहाँ ये बच्चे रहते थे। डीक के पास गांव के पास के रहने वाले बच्चे हैं और इन्होंने अपने शिक्षक पर आरोप लगाए हैं। और पूरे इस घटनाक्रम के बाद पुलिस पहुंची है, काफी देर तक हंगामा मचा है, रास्ता भी अवरुद्ध हो गया डीक गोवर्धन मार्ग। तो इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, एएसआई भवानी सिंह मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच में जुटे हुए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो शिक्षक है वो फेल करने की धमकी देकर दोनों बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा था, कुकर्म कर रहा था, इस तरह की बात उन्होंने बच्चों ने भी कही है। अब पुलिस की जांच में भी के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी मामले में क्या कुछ खुलासा करने में प्रशासन कामयाब हो पाता है। फिलहाल शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।